गिरीश जी, अब दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा? सेम मेरे लिए पीएसयू ही है। जो दूसरा स्टॉक है वो मैं रेलवे से लेना चाहूंगा, वो आईआरएफसी है, क्योंकि देख रहे हैं कि हम रेलवे का जो एक्सपांशन प्लान है वो काफी अच्छा तरीके से निकल के आया है। अगर हम स्ट्रांगली कैंडिडेट के तौर पर बात करें तो 10 से 12 लाख करोड़ का एक मेगा प्लान है जो गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने मैनिफेस्ट में ऑलरेडी बता चुकी है। कहीं पे भी जो फर्दर डेवलपमेंट है, जैसे कि रेलवे इको सिस्टम को डेवलप करना या फिर स्टेशन को रीस्टोर करना, तो ये दोनों तीनों स्ट्रक्चर में कहीं पे भी इको सिस्टम में आईआरएफसी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर निकल जाता है। ऑलरेडी अपने अच्छे डिविडेंड्स को लेके एक माना जाता है स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट सिचुएशन है कहीं पे भी हमें डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, तो उस वजह से भी। एंड एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि ये अपना डेट काफी लेवल तक रीस्ट्रक्चर करने के प्लानिंग में है, तो जो हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये अपना पूरा डेट ऑलमोस्ट रीस्ट्रक्चर कर चुका होगा, तो कहीं पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आता है। 185 का मेरे लिए लक्ष्य है आईआरएफसी का, बट अगर किसी को भी कैंडिडेट के लिए रखना है अपने पोर्टफोलियो में तो 1.5 से 2 साल के टाइम फ्रेम के लिए भी रख सकता है। ओके, तो आईआरएफसी शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी आईआरएफसी अच्छा लग रहा है। 185 के लेवल्स अगले 6 महीने में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 1.5 से 2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो भी और अच्छे लेवल्स यहां पर दिखेंगे। और रेलवे स्टॉक्स ये एक ऐसा और सेक्टर है जहां पर कि इस सरकार का फोकस है और रेलवे से जुड़े भी काफी सारे डेवलपमेंट्स आने वाले समय में होंगे। वैसे तो हमने देखा कि स्पेस में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुके हैं, लेकिन आईआरएफसी अभी भी आप इस पर नजर रख सकते हैं खरीदारी करने के लिहाज से। ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी अच्छा लग रहा है आईआरएफसी का, तो यहाँ पर नजर रखिए। और इसके अलावा एक और चीज, जब गिरीश बता भी रहे थे कि डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छे हैं, नतीजे भी आ सकते हैं, कर्ज कम करने पर भी कंपनी ने फोकस बढ़ाया है और डेट रिडक्शन से जुड़ा कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं आईआरएफसी के लिए, तो इस पर आप नजर रखिए। तो ये रहा रेलवे स्पेस से एक काउंटर।